सो यहाँ पे रेडी हो रहा है हमारा एक बहुत ही पॉपुलर रॉयल डेजर्ट, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमीज किचन स्टोरी। एंड आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़ा, जो कि एक बहुत ही रिच मुगलई डेजर्ट है। एंड ये फेस्टिवल्स में, स्पेशली रमज़ान के समय, ईद में ये बहुत बनाया जाता है। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कटोरी पानी। पानी डालने के बाद पहले गैस ऑन कर देते हैं एंड उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी शक्कर। सो सेम कटोरी से हम 1 कटोरी शक्कर डालेंगे एंड 1 कटोरी पानी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि शक्कर हमारी घुल ना जाए। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है एंड कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। एज यू कैन सी, यहाँ ऑलमोस्ट हमारी शक्कर घुल चुकी है एंड थोड़े थोड़े बबल्स इसमें आने लगे हैं। इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे करीब 4 से 5 मिनट। जब पानी अच्छे से बॉईल होने लगेगा, हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर देते हैं एंड इसे करीब 3 से 4 मिनट अच्छे से बॉईल होने देते हैं। सो नॉर्मली लोग बोलते हैं 1 तार की चाशनी बनानी है, 2 तार की चाशनी बनानी है, बट हमें यहाँ पे चाशनी को पतला रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो चाशनी हमारे टोस्ट में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगी। एंड अगर हम चाशनी को गाढ़ा बनाते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि जो हमारी चाशनी है वो ऊपर ऊपर से कोट हो जाती है एंड हल्का सा वाइटपन आ जाता है, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। एंड इसलिए मैं चाशनी को थोड़ा सा पतला रखती हूँ। सो करीब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं एंड हमारी चाशनी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये ना ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली। एंड अभी हम जब गैस बंद करेंगे एंड इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे तो ये थोड़ी और गाढ़ी होगी एंड तब ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। सो चलिए गैस को ऑफ करते हैं एंड चाशनी को थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। सो चाशनी को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है एंड अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो पहले मैं ले रही हूँ 2 ब्रेड की स्लाइसेस। इसे आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, ट्रायंगल या स्क्वायर। मैं यहाँ पे इसे ट्रायंगल में कट कर रही हूँ एंड पीसेस को भी आज मैं थोड़ा बड़ा रख रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो आप इसे छोटा कर सकते हैं एंड बीच से एक बार और काट सकते हैं। एंड इसी तरह हम बाकी की ब्रेड्स को भी कट कर लेंगे एंड रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लेंगे एंड इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमें इतना डालना है कि जो हमारी ब्रेड है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। ऑयल को भी हम अच्छे से गरम कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी ब्रेड स्लाइस। एक साथ बहुत सारी स्लाइसेस नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 या 2 स्लाइस। मैं एक और डाल देती हूँ इसमें एंड इन्हें अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। सो फिर से इसको एक बार पलट लेते हैं एंड एज यू कैन सी हल्का गोल्डन कलर आने लगा है। एंड बस इसी तरह से हम इसे दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। आंच को मैंने यहाँ पे नॉर्मली रखा है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं किया है, नहीं तो ब्रेड हमारी एकदम से जल सकती है। एंड एज यू कैन सी बहुत ही सुंदर सुनहरा सा कलर आ गया है एंड हमारी ब्रेड यहाँ पे सिक चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं एंड एक टिश्यू पेपर पे रख देते हैं, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। सो इसी तरह से हमारी बाकी की स्लाइसेस को भी हम फ्राई कर लेंगे।
सो शाही टुकड़े को बहुत सी जगहों में मोस्टली हैदराबाद में डबल के मीठे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ब्रेड से बनता है एंड यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ब्रेड को डबल रोटी भी कहते हैं, क्योंकि वो साइज में डबल हो जाती है बनने के बाद, एंड सो द नेम डबल का मीठा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लिया है एंड अब हम इन्हें डिप करेंगे हमारी चाशनी में। तो चाशनी मैंने यहाँ पे रख ली है एंड हमारी चाशनी रूम टेम्परेचर पे है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। एंड इस तरह से हम अच्छे से टोस्ट को इसमें डिप कर लेंगे, दोनों तरफ से अलट पलट के हम इसे अच्छे से चाशनी में डिप कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा पहला शाही टुकड़ा रेडी हो गया है, एक्स्ट्रा चाशनी मैंने हटा दी है एंड हम डालेंगे हमारा नेक्स्ट पीस एंड इसे भी हम अच्छे से डिप कर लेंगे दोनों तरफ से। एक्स्ट्रा चाशनी को निकलने देंगे। एंड बस इसी तरह से हम बाकी के पीसेस को भी चाशनी में डालेंगे एंड अच्छे से डिप करके निकाल लेंगे। सो हमारा शाही टुकड़ा यहाँ पे फटाफट से रेडी हो रहा है एंड इसे और रिच एंड क्रीमी बनाने के लिए हम इसे सर्व करेंगे रबड़ी के साथ एंड ऊपर से गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। बट आज मैं यहाँ पे रबड़ी की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रबड़ी बनाना बहुत आसान है। आपको बस धीमी आंच में दूध को पकने देना है एंड लास्ट में उसमें डालना है शक्कर एंड आपकी रबड़ी एकदम रेडी हो जाएगी। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं रबड़ी की डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा एंड मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम रबड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। सो यहाँ पे हमारे एकदम डिलिशियस एंड क्रिस्पी शाही टुकड़ा रेडी है, जिसकी हम करेंगे प्लेटिंग। एंड जब तक मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें एंड आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करना ना भूलें।